तो बच्चों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्राम यूनिट डिस इज 0.5, यानी जो म्यू है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू है वो कितना है, वो 0.5 है। रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, यानी जो ग्राम्फोनिक डिस्क है इसका रेडियस कितना है, तो वो 8 सेंटीमीटर है। इसको बोल देते हैं कैपिटल आर। तो 8 सेंटीमीटर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 / 100 मीटर। इनिशियल द सेंटर ऑफ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, यानी इनिशियली क्या था, ये जो कॉइन था ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर में है, इसको हम बोलेंगे R1। R1 कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2/100 मीटर। एट वॉट मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, यानी जो n मिनिमम है वो कितनी रहेगी कि ये अपने पोजीशन से खिसकना चालू करेगा, ये हमें निकालना है। दूसरी हमें क्या निकालना है, एट बाय वॉट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ कॉइन इज ऑलमोस्ट एट रिम, यानी जब ये कॉइन ऑलमोस्ट एट रिम पे हो जाएगा तो ये इसका क्या फैक्टर होगा, यानी जो n डैश मिनिमम है वो कितना रहेगा, ये हमें निकालना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों डेटा तो हमने लिख लिया है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये ग्रामोफोन की डिस्क घूमने लगती है तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा MUS इंटू एम इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख लिया है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है MR ओमेगा स्क्वायर। MR ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू MUS एम जी, ये मिल गया। अब यहाँ पर M से M को मार दूंगा, R ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू MUSG, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो ये हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R इंटू 2πn होल स्क्वायर इज इक्वल टू MUS इंटू जी, तो ये कितना है, R इंटू 4π² इंटू n² इज इक्वल टू MUS इंटू जी हो जाता है। तो हमें अभी n की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म को हम क्या करेंगे, इधर घुसा देंगे, तो n² इज इक्वल टू MUS इंटू जी अपॉन 4R π² ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू आएगी अंडर रूट MUS इंटू जी अपॉन 4R π² इतनी आ जाती है। अब MUS कितना है, तो वो है 0.5। जी कितना दिया है, तो जी दिया है पाई स्क्वायर, तो ये भी लिख देते हैं पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर कितना है, तो आर है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 2/100 मीटर इंटू पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई से पाई मर जाएगा, ये 100 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये कितना आता है 0.5 × 100/8, तो ये कितना आएगा 50/8 आ जाएगा। और ये 50/8 कितना होता है, तो वो होता है 6.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो n मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, तो n मिनिमम की वैल्यू आ रही है 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ रही है। तो ये तो हो गई पहले केस के लिए वैल्यू, अब हमको निकालना है सेकंड केस के लिए वैल्यू। तो सेकंड केस के लिए क्या होता है, जो n डैश मिनिमम है वो हमको निकालना है। फॉर्मूला तो हमारा बदलेगा नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जो R की वैल्यू है वो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/100 हो जाएगी। तो n डैश इज इक्वल टू अंडर रूट MUS इंटू जी डिवाइडेड बाय 4R
पाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, तो वो है 0.5 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8/100 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया है, ये 100 ऊपर चले जाएगा, तो ये आता है 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आएगा 50 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ पर अगर मैं 2 से भाग दूँ तो ये कितना आएगा, 16/25 यानी √25/16 आ जाता है। तो 25/16 यानी क्या होता है, वो होता है पाई बाय 4। तो एन डैश की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4। अगर वे पाई बाय 4 को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1.25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी ये कितना आ गया, n बाय 2 ही आ गया। n की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 1.25। तो ये हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है।